वेल, हमारे इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आप सब के बीच उस घटना की, जिसकी वजह से ऐश्वर्या न सिर्फ लोगों के बीच तमाशे का हिस्सा रही बल्कि पूरा बच्चन परिवार भड़क गया था। ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी बसा ली थी अभिषेक बच्चन के साथ साल 2007 में शादी रचाकर। बच्चन परिवार की बहू बनकर वो खुश थी। बच्चन परिवार के नियम रीति रिवाजों को फॉलो कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ऐश्वर्या बॉलीवुड से कुछ समय के लिए दूर होकर भी खुश थी। लेकिन ऐश्वर्या नहीं जानती थी कि बॉलीवुड में वो फिल्मों में एक्टिव ना होकर भी विवादों में रहेंगी शामिल, और उसके पीछे था कारण उनका अतीत। दरअसल सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने प्रण कर लिया था कि सलमान से वो कभी नहीं मिलेंगी। विवादों से दूर रहने के लिए, तरह तरह के बयानों के सवालों से बचने के लिए वो सलमान से रहती थी दूर। लेकिन सलमान खान की पार्टी में एक बार ऐसा हुआ जिसके बाद सालों ऐश्वर्या के नाम पर तमाशा बना। हम बात कर रहे हैं उस पार्टी की जिसमें सलमान खान ने कटरीना के बर्थडे के लिए, अपनी दूसरी लेडी लव कटरीना के बर्थडे के लिए ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उनके बेस्ट फ्रेंड शाहरुख भी हुए शामिल। लेकिन उसी वक्त ऐसी लड़ाई, कहा जाता है कि ऐसी लड़ाई हुई थी कि शाहरुख सलमान के बीच बहस में ऐश्वर्या के नाम पर बन गया था तमाशा। दोनों के बीच ऐश्वर्या का नाम क्यों आया था, जया भी इस पर काफ़ी भड़की थी। कहा जाता है कि सलमान खान को ऐश्वर्या का नाम लेकर नीचा दिखाने का प्रयास जो शाहरुख ने किया था झगड़े में, इसकी वजह से उनकी दोस्ती तो टूटी, ऐश्वर्या का नाम बेवजह पूरे इस मामले में घसीटा गया। यह आपको बताना चाहेंगे, इस मामले के बाद भी ऐश्वर्या को सलमान से और दूरियां बनानी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि सलमान से रिश्ता बेहतर रखने वाले सेलिब्रिटीज से भी ऐश्वर्या दूर हुई, और सालों तक शाहरुख खान से भी ऐश्वर्या की बातचीत लगभग बंद रही, और इसकी वजह से शाहरुख को आखिर में एक बार बच्चन फैमिली से ऐश्वर्या से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। पब्लिकली एक्सेप्ट करना पड़ा था कि उन्होंने गलत किया था। नेक्स्ट 9 लाइव्स रिपोर्ट।